अरे लीजिए ना अतिथि देवो भव, भला आपके सामने बैठकर हम कैसे खा सकते हैं? बाप चढ़ेगा ना, हमारी माई कहती है। मेरा मतलब है कि इशारों में कहती है, मगर कहती जरूर है कि पति तो परमेश्वर की तरह होता है और पत्नी की सारी जिंदगी उसकी सेवा और भक्ति में बीतनी चाहिए। पति की खुशी हमारी खुशी। अरे आप कुछ खाइए ना। नहीं नहीं बस मैंने खा लिया, मैं चलता हूँ वरना लेट हो जाऊंगा। ए बुढ़िया, जरा एक चाय तो लेकर आना मलाई मारकर। कहाँ धीरे चिल्लाई ना मैं कि चाय चाहिए मुझे। अच्छा ऐसा कर, अब जल्दी से एक अच्छी सी चाय बना कर लो बिना शक्कर के। क्या हुआ, मेहंदी लगी के हाथों में, काम ही होता था इसे। बोलो अब कुछ बोलेगी कि नहीं, मारे सामने बोलती बंद होगी तारी। हाँ पहले तो बड़ी मारी जा रही थी बोलने के लिए। अच्छा नहीं बोलना ना तो मत बोल, मुंह सिलकर बैठी रहे। मगर एक बात सुन, वो जो थारा दामाद है ना उसे राजमा बड़े सुहावे हैं, तो एक काम करना कि रात के लिए राजमा भी को लेना और हाँ बना भी लेना, काम खत्म। और हाँ मेरे लिए खीर बादाम थोड़ी ज्यादा डालना और हाँ शक्कर थोड़ी कम, और अगर पिछली बार की तरह शक्कर ज्यादा डली ना। जानती तो हो ना अपनी बहू को। ठीक है अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह ही देखती रहोगी क्या? जाओ क्योंकि तुम्हें थोड़ा सबक मिला नहीं और तुम्हारी जुबान चालू चटर पटर पटर पटर, बड़ा कान पक जाता है मेरा, समझी? और जुबान भी क्या, थारा तो कंप्लेंट वर्क्स है ली, जो एक बार शुरू हो जाए तो फिर बंद होने का नाम ही नहीं लेता, इसलिए जल्दी से काम पे लग जा। और वो थारा पति कहाँ है? सुबह से दिखा नहीं हमें। ये जो रोना है ना उसके सामने जाके रोएगा, हमारे सामने सब करने की कोनो जरूरत नहीं। और हाँ अपने वो चोर पति को बोलना कि हमारी घड़ी वापस कर दे, चोरी करने में तो उसका जवाब ही नहीं ना। अब यहाँ खड़ी खड़ी मेरी बातें सुनती रहोगी या एक चाय भी बना के लाओगी? अरे सर पहली दर से फटा जा रहा है, कुछ काम करोगी नहीं? तेरी जात का कुत्ता पालू। हाँ